अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो नहीं अपलोड की, तो आज मैं सोचा क्यों ना आज आप लोगों को जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके बारे में थोड़ा सा बताया जाए। तो आज की जो न्यूज़ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छे कंट्री के बारे में है, क्योंकि ये जो मौके हैं ये रोज़ रोज़ नहीं मिलते और इनसे आप फ़ायदा ज़रूर उठाएं। जिनको मौका मिले वो ज़रूर जाएं। अगर आप लोग नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने नेक्स्ट फ्यूचर में आपको पूरे मलेशिया का विज़िट भी करवाना है और चीज़ें जो है उनको एक्सप्लोर भी करना है और मलेशिया के रिलेटेड जो न्यूज़ होगी, जो वीज़ा वगैरह होगा वो भी सारा कुछ। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए और वीज़ाज़ वगैरह के बारे में आप नॉलेज लेने के लिए चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी लाजमी तौर पर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप वीडियो को टाइम से देख सकें। तो आज की जो हमारे पास कंट्री हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताना है, वो एक है रशिया, जिसको हम लोग अपनी ज़बान में रूस कहते हैं, यानी उसका दूसरा नाम जो है रूस है और इंग्लिश में उसको रशिया कहते हैं, और दूसरा है बेलारूस। बेलारूस एक यूरोपियन कंट्री है लेकिन ये शेंजन में नहीं है। वैसे यूरोपियन कंट्री है, शेंजन में ही है। शेंजन में तकरीबन 26 कंट्रीज़ हैं और उन कंट्रीज़ में बेलारूस शामिल नहीं है। और ये तो कंट्रीज़ के नाम हो गए और उनके बारे में बात करते हैं कि इनके दरमियान जो एग्रीमेंट है वो क्या हुआ है। बेलारूस और रूस जो है दोनों का जो एग्रीमेंट हुआ वो ये हुआ है कि अगर आपके पास इन दोनों में से किसी एक कंट्री का वीज़ा है, यानी विजिट वीज़ा है या आपके पास वर्क वीज़ा है, तो आप इन दोनों कंट्रीज़ में आ जा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बिल्कुल वही हिसाब है, अगर आपके पास शेंजन कंट्रीज़ में से किसी एक कंट्री का वीज़ा है तो आप पूरे 26 कंट्रीज़ में विज़िट वगैरह कर सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं उसी वीज़ा के ऊपर। तो इन्होंने भी बिल्कुल वही पॉलिसी की है कि आपके पास अगर रशिया का वीज़ा है तो आप बेलारूस में जा सकते हैं, अगर आपके पास बेलारूस का वीज़ा है तो आप रशिया में जा सकते हैं। तो आपको इमिग्रेशन वगैरह कंट्रीज़ में बगैर किसी परेशानी के ट्रैवलिंग कर सकते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ये झूठ है, या मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये जो दोनों कंट्रीज़ के वज़ीर आज़म हैं उनका ये पिक्चर है, और इस चीज़ को मैंने क्लियर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। आप वहाँ से जाकर पूरी डिटेल के साथ इनका एग्रीमेंट पढ़ सकते हैं और आपको खुद पता चल जाएगा कि किस किस चीज़ के बारे में उन्होंने एग्रीमेंट किया है और उन्होंने कौन कौन से तरीके बताए हैं कि आप बेलारूस और रशिया में किस तरह आ सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। और साथ में उन्होंने लोगों की और सहूलत के लिए ये साथ में ट्रैक्स भी बता दिए हैं कि बेलारूस और जो रशिया इधर आने के लिए 6 ट्रैक्स उन्होंने मुंतखब किए हैं जो लोग बाय रोड आना चाहते हैं। अदरवाइज़ आप ट्रेन के ज़रिए भी जा सकते हैं और बाय एयर भी जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने ट्रैक्स का भी लाजमी आपके साथ बता दिया कि जो लोग जाना चाहते हैं बाय रोड वो लोग भी जा सकते हैं। और उन्होंने 6 जो ट्रैक्स हैं यानी रोड्स हैं उनका नाम भी बताया कि वो कौन कौन से हैं, आपको वो सारी डिटेल उधर से मिल जाएगी या जब आप डिस्क्रिप्शन में। रशिया और बेलारूस का ये पहला एग्रीमेंट नहीं है, इससे पहले भी इनका एक इसी तरह का बिल्कुल एग्रीमेंट हुआ था जब फुटबॉल का वर्ल्ड कप था, तब भी इन्होंने ये ऐसे ही एग्रीमेंट किया था कि जो लोग रशिया में हैं वो बेलारूस जा सकते हैं और जो बेलारूस के लोग हैं वो रशिया में आ सकते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि यार बेलारूस में हमने विजिट वीज़ा पे जाना है, भाई बेलारूस की जो इमिग्रेशन है विजिट वीज़ा के लिहाज से वो बहुत ही टफ है और वो जल्दी आपको वीज़ा नहीं देते विजिट का, इसीलिए आपके पास ये बहुत बड़ा ऑप्शन है कि आप रशिया का आसानी से विजिट वीज़ा लें और साथ में बेलारूस की भी सैर करके आएँ, क्योंकि जो बेलारूस है वो खाली विजिट वीज़ा अपना बहुत जो ये एशिया कंट्रीज़ हैं इनके जो लोग हैं इनको वो जल्दी वीज़ा नहीं देते, इसीलिए आप रशिया का वीज़ा आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि रशिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और वहाँ पर आप लोगों को जाने के लिए इतने ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए और आसानी से वीज़ा आपको मिल जाता है। आज की ये थी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।